प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने अपने मन की बात करने के लिए आया हूँ। आज का जो समय घट रहा है, आज हमारे सामने जो चुनौती है, कोरोना संक्रमण की महामारी चारों तरफ सीधा असर हमारे परिवार, हमारे समाज के लोगों के ऊपर जो पड़ रहा है, उसके बारे में जो सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ और मैं सीधी बात करने के लिए आया हूँ। आज बहुत सारी खबरें आ रही हैं, 1 लाख कोरोना मरीज़, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और न जाने कितनी बातें। हमारे आसपास जो भी घट रहा होता है उसका सीधा असर हमारी मानसिकता पर पड़ता है और कोरोना संक्रमण की खबरों ने तो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा है। आज के इस समय में जब सामान्य व्यक्ति अपनी मानसिक दृढ़ता को खोने लगता है तो सबसे ज़्यादा जो कीमती है वो खुद की देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अगर हम खुद की देखभाल विशेष तौर पे कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति का सामना हम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। लंबे समय से चली आ रही कोरोना संक्रमण की जो खबरें हैं आज लोगों को भयभीत करते जा रही है। कभी किसी की मौत, किसी अपने की मौत, किसी पराए की मौत, सामाजिक कोई प्राकृतिक आपदा, कोई घटना घटित, कोई हॉस्पिटल की घटना, ये तमाम चीज़ों की जो खबरें पाकर व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता को खो बैठते हैं। और इन दिनों जो सामान्य व्यक्ति होता है छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी हताश हो सकता है। जिस प्रकार हम बीमारी से लड़ने के लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी जो मानसिक इम्यूनिटी है उसको भी मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है। आज ये समय हमारे लिए मानसिक इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाए रखना है, साथ ही साथ जो सकारात्मक विचारों को है हमें उनको ढाल बना के रखना है, हमारी इम्यूनिटी बना के रखनी है। आज वर्तमान में कितनी सूचनाओं का माध्यम है और हर चीज़ से वाकिफ रहने और सुरक्षित रहने के लिए हर तरह की सूचनाओं की जानकारी हम लेते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसका सीधा असर हमारे शरीर और मस्तिष्क पर पड़ रहा होता है। हो सकता है हमने हजार बार सोच लिया हो कि दुनिया ख़त्म होने वाली है या मैं अकेला रह जाऊँगा, मेरे परिवार के सदस्यों को भी कोरोना हो जाएगा। ये जितने भी विचार हैं दरअसल ये विचार हैं, लेकिन ये विचार जो है हमारे मस्तिष्क को भ्रमित करता है और जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क जो है उन विचारों को सच समझने लगता है और हम उनमें उलझ जाते हैं और अपने मानसिक इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं। ऐसे में हमें खुद को शांत रह के धीरज के साथ अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे तमाम साथी इसी दौर से गुजर रहे हैं तो सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने इमोशनल इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। हमेशा आपने एक बात सुनी होगी कि उपचार से बेहतर बचाव है। जी हां, आप सभी ने सुनी होगी बात, चाहे मानसिक स्वास्थ्य की ही क्यों ना हो, बचाव ही हर स्थिति में एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए कुछ बातों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कितने नुकसान होने वाले हैं, इसकी चिंता करने के बजाय अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रखा जाए इस पर ध्यान दें, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस पर ध्यान दें, हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, हम कैसे खुश रहेंगे, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, अगर इस वर्तमान पर ध्यान दें और हमारा दिमाग जो है हर स्थिति के लिए, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हर स्थिति के लिए तैयार रहता है। अगर हमारे दिमाग में गलत विचार चल रहे हैं तो वो गलत कहानी को लेकर उस पर ही एक कहानी तैयार कर लेता है, और अगर हम सकारात्मक विचारों की चर्चा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है उसकी कहानी तैयार कर लेता है और उसकी परिणति पर चलने लगता है। आज हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य के लिए परेशान होने लगते हैं, जबकि ये समय है कि हम इस घातक स्थिति से लड़ने के लिए वर्तमान पर बेहद तरीके से ध्यान दें, क्योंकि
असली जीवन जो है वर्तमान है। हर दिन की शुरुआत नए सिरे से करें, बीते हुए कल से सीखें, आने वाले कल के लिए तैयारी करें, लेकिन उसकी चिंता कर छोड़ के हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन पर किसी का बस नहीं चलता, इसीलिए उन्हें बदलने की असफल कोशिश करने के बजाय जो सामने है उसे निपटने के लिए अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखें और अपनी मजबूती को जो है अग्रसर रखें। आज जो समस्या है उस समस्या से हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका सामना हम सकारात्मक विचारों के साथ, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ करें। इसके लिए हमें खुद से प्यार करना होगा। आप यकीन मानिए, आपको खुद से प्यार करना होगा, खुद की सफाई रखनी पड़ेगी, खुद के लिए सोचना होगा, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कारगर उपाय हैं उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आप यकीन मानिए, इस धरती पर आप मौजूद हैं इसका सबूत केवल आपके शरीर से मिलता है। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर इस धरती पर आप मौजूद हैं तो इसका केवल सबूत है कि आपका शरीर यहाँ पर मौजूद है। इसलिए खुद पर प्यार करना बेहद ज़रूरी है। अपने शरीर का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखें, अपने शरीर के सभी अंगों का ख्याल रखें और अब साथ ही साथ मस्तिष्क का विशेष तौर से ख्याल रखें। अपने आप को क्रिएटिविटी में लगा दें। अगर आपका मन कुकिंग में अच्छा लगता है, पेंटिंग में अच्छा लगता है, ड्राइंग में अच्छा लगता है, सिंगिंग में अच्छा लगता है, डांसिंग में अच्छा लगता है, तो ऐसी एक्टिविटी में मन लगाएं ताकि आपके मस्तिष्क का जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहे और वो मजबूत हो। अपने पसंदीदा काम को करें। ऐसा करने से हमें इस बात का एहसास होता है कि चाहे दुनिया में कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन ये भी एक ज़िंदगी का रूप है। क्योंकि वो चीज़ जो आप अभी कर रहे हैं अपने पसंद की, उसे हर चिंता और हर दर्द को ख़त्म कर देता है और आपको फिर नए कल के लिए तैयार रखता है। जी हाँ, आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है। तो हमें जो पसंद है, हमारे लिए जो अच्छा है, हमारे परिवार के लिए जो अच्छा है, हमारे समाज के लिए जो अच्छा है, उन खबरों को पढ़ने की ज़रूरत है। आज एक संतुलन की ज़रूरत है। दिन भर शारीरिक क्रियाकलापों के बाद अगर हमारे मन में हमारे संतुलन कायम हो सके तो उसकी आज ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खाना, बहुत कम खाना, ज़्यादा सोना, कम सोना, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आज बहुत ही भयावह स्थिति से हमारे गुजर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथियों को इस मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा सकारात्मक तरीके से मजबूती का एहसास करें, अपने होने का एहसास करें, अपने आप को श्रेय दें, खुद की अहमियत को समझें, खुद को अहमियत दें। आपने जो काम बहुत अच्छे से किया है उसका श्रेय लेना भी याद रखें, इससे इमोशनल इम्यूनिटी मजबूत होता है। कई साथी जो हैं बेहतर काम करते हैं लेकिन उसका श्रेय जो है खुद नहीं लेते और अक्सर भूल जाते हैं अपने आप को श्रेय देना और हमेशा दूसरों से श्रेय लेने की राह ताकते रहते हैं। जब वो खुद को श्रेय नहीं देते हैं तो दूसरे लोग कैसे श्रेय देंगे। तो सबसे पहले खुद को श्रेय दें, अपने आप का हौसला अफजाई करें, अपनी जो अच्छी उपलब्धि है उनको याद रखें। आज के दौर में नकारात्मकता से दूर रहें। जब भी हम नेगेटिव बातों में उलझने लगते हैं मन विचलित होने लगता है, इसलिए ऐसे विचारों से, ऐसे स्वभाव के लोगों से दूर रहें। कई बार ऐसा होता है कि समाज की हर एक बातों को हम विचार समझते हैं और समाज में क्या हो रहा है और उसमें अपने आप को शामिल करने लग जाते हैं, खुद ही वही बात करने लग जाते हैं, जिससे हमारी मानसिक जो इम्यूनिटी है उसको नुकसान पहुंचता है और कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है होने की आशंका होती है। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बातचीत करते रहें, इस प्रकार आप हमेशा खुश रहेंगे और अपने शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ अपनी मानसिक इम्यूनिटी को जो है मजबूत बल दे पाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है।
आपका ये अद्भुत जीवन है और इस अद्भुत जीवन को बेहतर और अद्भुत बनाने के लिए आप बहुत आपको सार्थक प्रयास करने होंगे, सकारात्मक विचारों पर अमल करने होंगे, उनका अभ्यास करना होगा, उन पर अमल करते हुए आगे बढ़ना होगा और जीवन की तमाम कठिनाइयों को जो है उसका सामना करना होगा। जी हाँ, आपके अंदर वो सारी ऊर्जा है, आप ईश्वर की एक असीम देन हैं, वो तमाम चीज़ें आपके पास हैं, उन पर बिलीव करना होगा और उन उत्साह, उन ऊर्जा और उन शक्ति की किरणों को एकत्रित करते हुए इस भयंकर जो महामारी है, इस वायरस पे विजय पाना है और तमाम जो आशंकाएं हैं उनको पार करते हुए अपने जिस काम के लिए इस धरती पर आए हैं उसको पूरा करना है। आप हर कदम पर सफल होंगे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं और आप सभी के शारीरिक इम्यूनिटी और मानसिक इम्यूनिटी के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूं। भगवान आपको काफ़ी खुश रखे, आपकी वो तमाम जो आपने मंजिल ख्वाबों में रखी है उसको हकीकत में बनाने के लिए खूब सारा आशीर्वाद दे और आप अपने आप को मजबूत बनाए रखें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप सब अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।